प्लेयर कार्ड्स सेल या बेचने से मिला पैसा विथड्रॉ होगा या नहीं, या विथड्रॉ होगा तो विथड्रॉ कब होगा। रेडियो D3 क्लब में सभी लोग मुझसे डेली पूछते हैं कि सर प्लेयर कार्ड सेल या बेचने से मिला पैसा विथड्रॉ कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है मैं आपको रेडियो की जो वेबसाइट में है वो बताऊंगा और बहुत चीज़ें ढूंढ के लाया हूँ मैं, सर्च करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको बिल्कुल विश्वसनीय तरी जानकारी मिले, बिल्कुल सही जानकारी मिले। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है रेडियो D3 क्लब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू करने के लिए चलना पड़ेगा मोबाइल की होम स्क्रीन में। तो अब मैं आपको अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन ओपन करता हूं। चलिए ये मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन है और यहां पे रेडियो D3 क्लब, या फिर ये कहें कि D3 क्लब का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलिए अब इसे ओपन कर लेता हूं और ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो आप लोग क्या करते हो, प्लेयर कार्ड्स को सेल करते हो। सेल कहां पर करते हो, मार्केट प्लेस में। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितने प्लेयर कार्ड्स हैं टोटल ऊपर, हो सकता है आप लोगों के पास इससे ज़्यादा प्लेयर कार्ड्स हो, लेकिन मुझसे लोग डेली पूछते हैं कि सर आपके पास कितने प्लेयर कार्ड्स हैं, इसलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कार्ड रख रखा है क्योंकि मैं जब इनकी कार्ड्स की प्राइस बढ़ेगी तो मैं उनको सेल करूँगा और सेल करने के बाद अपने पैसा अर्न करूँगा। तो चलिए मार्केट प्लेस में चलते हैं। अब मार्केट प्लेस में चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेयर कार्ड्स कैसे सेल करना है और सेल करने के बाद पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, ठीक है। तो ये मार्केट प्लेस ओपन हो गया है। अब मार्केट प्लेस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो राइट साइड कॉर्नर में तीन डॉट है ना, यहाँ पे जाना है। अब तीन डॉट में जाने के बाद चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आएगा उसे बताता हूँ। तो मैंने क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको जाना है किस में, VAULT वॉल्ट। वॉल्ट क्या होता है, प्लेयर कार्ड्स के रखने की जगह को वॉल्ट बोलते हैं। तो चलिए मैंने अपना वॉल्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। वॉल्ट मतलब मेरे पास जितने भी प्लेयर कार्ड्स हैं वो सारे प्लेयर कार्ड्स यहाँ पे शो होंगे, जितने प्लेयर कार्ड्स मैंने खरीद रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ प्लेयर कार्ड्स को सेल में लगा रखा हूँ, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लेयर कार्ड्स को मिनिमम ब्रॉन्ज कार्ड को मिनिमम $7 से $8 में सेल करना है, इससे कम में सेल नहीं करना है। तो आप लाइव देख सकते हैं $7 से $8 में ही मैंने सेल किया है। जो प्लेयर कार्ड्स मेरे पास 3 से 4 है उनको कभी कभी मैं क्या कर देता हूँ, $6 कर देता हूँ, अदरवाइज सारे प्लेयर कार्ड्स $7 से $8 में मैंने सेल किया है। तो चलिए अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको गेराल्ड कोएटजे और उसके बगल में जेसन रॉय। तो गेराल्ड कोएटजे को मैंने अभी सेल नहीं किया, तो चलिए अभी सेल करके दिखाता हूँ, प्लेयर कार्ड्स को लाइव सेल करूँगा और दिखाऊँगा कि पैसा मिलता है या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं इसे सेल करता हूं। और आप लोगों का ये क्वेश्चन आया था कि सेल करने के बाद मिला हुआ पैसा विथड्रॉ होगा या नहीं, ये भी क्वेश्चन है, तो वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैंने सेल ऑन मार्केट में क्लिक किया, उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर एक जानकारी आप लोग मिस करते हो, जो जानकारी यहाँ पर है चलिए मैं आपको इंडिकेट कर दूँगा। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि $2 में सबसे कम, सबसे अधिक $50 में सेल किया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि $7 से $8 में अभी फ़िलहाल सेल करना है, तो मैं $7 में कर दिया। उसके बाद क्या करना है, लिस्ट योर कार्ड, ठीक है। तो आप लोग क्या कर दोगे, लिस्ट योर कार्ड कर दोगे तो आपका जो कार्ड है मार्केट प्लेस में चला जाएगा, जब भी कोई बायर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा, मीन्स सोल्ड हो जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस योर कार्ड इज ऑन रेडियो मार्केट प्लेस। तो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि तुरंत बेचने के बाद तुरंत आपको पैसा नहीं मिलता है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि कैसे मिलता है, किस बेस में मिलता है, तो एक NFT वाला मेरे चैनल में वीडियो है, उसे देखना, क्योंकि रेडियो NFT बेस्ड आधारित गेम है,
ठीक है, तभी मार्केट प्लेस में हो गया है, जब कोई बायर मिलेगा तो ये सेल हो जाएगा। तो सपोज दैट सेल हो गया आपका प्लेयर कार्ड्स, अब सेल हो गया तो पैसा कब विथड्रॉ होगा, पैसा कब आएगा, पैसा विथड्रॉ हो गया नहीं, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको चलता हूँ रेडियो की वेबसाइट में लेके। तो ये मेरे पास क्रोम का है, गूगल क्रोम, आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं गूगल क्रोम का जो ब्राउजर है इसे ओपन करता हूँ। अब ओपन करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे रेडियो का जो विथड्रॉ वाला रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे मैं ओपन करके रखा हूँ आपके लिए, सो दैट ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, तो मैंने रेडियो का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है किसका विथड्रॉल का, यहाँ पे लिखा है रेडियो बेटा, रेडियो बेटा लिखा है, ये आपको इससे प्रूफ हो रहा है कि रेडियो की वेबसाइट है। ठीक है, मैंने रेडियो की वेबसाइट में ही ओपन किया है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए सही जानकारी लाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे आ जाता हूँ मैं। अब सबसे नीचे आके मैं आपको, मैंने इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, जैसे कि वेरिफिकेशन कैसे करना है, विथड्रॉल डिटेल्स कैसे डालना है, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में ना ऐड बैंक अकाउंट मैंने पहले ही अपने वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन अभी आपको पता चल गया कि प्लेयर कार्ड्स कैसे सेल करना है, लेकिन प्लेयर कार्ड सेल करने के बाद पैसा कब मिलेगा और विथड्रॉ हो गया नहीं, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको नीचे आके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक जो ये है टर्म्स एंड कंडीशंस, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इसे जानना ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट डोंट वरी, आप लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब ये मैं नीचे आ गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आपका आंसर मिलने वाला है कि प्लेयर कार्ड्स सेल करने के बाद पैसा विथड्रॉ होगा या नहीं, या विथड्रॉ कब होगा। तो यहाँ पे लिखा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कार्ड्स, मतलब जो प्लेयर कार्ड्स के सेल करने से पैसा मिला है, विल हैव ए 15 डे कूलिंग पीरियड, मतलब 15 दिन का कूलिंग पीरियड है। कूलिंग पीरियड उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्लेयर कार्ड्स को सेल कर रहे हो, मतलब ट्रेड कर रहे हो, और ट्रेडिंग करने के बाद उसका एडजस्ट होने में समय लगता है। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी खेल रहे हैं, ऑलरेडी उनका अगर अकाउंट है, उन्हें भी पता होगा कि 15 डेज का कूलिंग पीरियड होता है, क्योंकि ये जो बेस्ड है ना, जिस बेस पे क्रिप्टो आधारित है उसी बेस पर ये रेडियो आधारित है, इसलिए 15 दिन का कूलिंग पीरियड है। और 15 दिन, सपोज दैट मैंने जो जिस प्लेयर कार्ड्स को बेचा है वो 15 दिन के सेल हो गया, कल सेल हो गया, अब 15 दिन तक उसका पैसा मेरा एड मनी में शो करेगा, अब 15 दिन बाद विथड्रॉ में शो करेगा। तो आप लोग ध्यान से सुन लिया ना, 15 दिन बाद ही विथड्रॉ में शो करेगा, उसके पहले शो नहीं करेगा। तो उसके बाद नीचे भी दो तीन ऑप्शन लिखे हुए हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, मैं पढ़ के बता देता हूं। एक लिखा हुआ दूसरे नंबर पर जो इसके नीचे है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द अकाउंट विल हैव ए 15 डे कूलिंग पीरियड इफ इट कैन नॉट बी विथड्रॉन बिफोर 15 डेज, मतलब अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हो किसमें, रेडियो में, तो उस पैसों को भी आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, 15 दिन के बाद ही विथड्रॉ कर पाओगे। उसके बाद नीचे जो लिखा है उसे भी पढ़ के बता देता हूँ मैं। कुछ लोग हमेशा पूछते हैं कि सर रेडियो बोनस क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं नहीं, रेडियो बोनस का यूज कैसे करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडियो बोनस कैन नॉट बी विथड्रॉन, हाउ एवर D3 गेम विनिंग्स कैन बी विथड्रॉन इमीडिएटली, मतलब रेडियो बोनस तो कभी भी विथड्रॉ नहीं होगा, लेकिन रेडियो के अगर आपने डॉलर बिन किए हैं, रियल डॉलर, तो वो तुरंत विथड्रॉ हो जाएगा, उसके लिए 15 डेज का कूलिंग पीरियड नहीं है। तो आई होप आपको ये जानकारी मिल गई होगी आज की इस वीडियो में कि प्लेयर कार्ड सेल करने से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, कब मिलेगा, 15 डेज बाद मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।